नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बारिश के साथ बाढ़ का संकट, पहाड़, रेगिस्तान और मैदान, हर जगह बेहिसाब बारिश से बर्बादी। बिहार के लिए हर साल की ये समस्या है। खेत खलिहान, घर और स्कूल सैलाब जैसे पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा देता है। ऐसे हालात में लोगों की पहली कोशिश होती है कि किसी तरह से जिंदगी चलती रहे, लेकिन मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। यह बाढ़ के आगे बेबस बिहार की तस्वीर। बारिश के साथ उत्तर बिहार के बड़े इलाके में मुसीबतों का दौर शुरू हो चुका है। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात जस के तस। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव सैलाब में डूबे हैं। बिहार के दरभंगा का हाल देखिए। यहां बागमती और कमला बलान नदियों का पानी तबाही का तांडव मचा रहा है। दरभंगा जिले के कई प्रखंड और पंचायत इस वक्त पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। यह दरभंगा का बहादुरपुर प्रखंड, जहां स्कूल का पूरा अहाता पानी से भरा है। निचली मंजिल में पानी भर चुका है। बाढ़ ग्रसित बिहार में इस वक्त सब कुछ डूबा डूबा सा है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये कोई झील या तालाब नहीं है, बल्कि ये एक स्कूल परिसर है जो इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त हम दरभंगा ज़िले के बहादुरपुर में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं, ये एक स्कूल है, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन आप देखिए स्कूल की हालत क्या हो गई है, क्योंकि बागमती नदी और कमला बलान नदी में जो बाढ़ आई है उसके वजह से आप देखिए पूरा बहादुरपुर जो है वो डूब चुका है। और इसकी तस्वीर यहाँ स्कूल के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि क्या हालात हो गए हैं, कि स्कूल का जो निचला तल्ला है यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और चारों तरफ अगर आप देख लीजिए तो केवल आपको पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा है। और ये अपने आप में बताता है कि कैसे इस वक्त बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका आई है उसमें सब कुछ जो है वो डूब गया है। स्कूल संचालक का कहना है कि इस साल तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन बाढ़ का पानी हर साल स्कूल को डुबो देता है। बाढ़ का पानी उतरने में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। साल ऐसा ही स्थिति होता है, ऐसा ही स्थिति है सर। ये सब गिर गया पौर साल, ये दिवाली वाल, फिर दूसरा खड़ा कर रहा है। आगे को और ज्यादा गहरा है क्या जाने पे? हाँ, इस भरी गर्दन पानी है सर, एक लगा के बाद। बूढ़ी गंडक में आई बाढ़ का सर दरभंगा समस्तीपुर डाउन लाइन पर भी दिखा था। रेल पुल पर बढ़ते दबाव की वजह से करीब 1 हफ्ते तक इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी हुई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर शहर में और इस शहर के बीचों बीच से बूढ़ी गंडक नदी गुजरती है। और मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बूढ़ी गंडक नदी की, जहां पर खतरे के निशान से काफी ऊपर जो है